इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करें, यानी कि कैसे ऐड करें, कैसे डिलीट करें और कैसे एडिट करें। प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए हम मेन्यू से प्रोडक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब हम देखेंगे न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम इस ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें दो तरह के ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शन इसमें डार्क ब्लैक हैं, कुछ इसमें लाइट ब्लैक हैं। डार्क ब्लैक जैसे प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, मैन्युफैक्चरर, जेनरिक, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि यह भरने जरूरी हैं। बाकी जैसे प्रोडक्ट कोड, HSN कोड, रिमार्क, यह हमारे लाइट ब्लैक कलर में हैं, यानी कि ये ऑप्शनल हैं। अब हम प्रोडक्ट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नेम भरेंगे, प्रोडक्ट कोड भरेंगे, यूनिट भरेंगे, मैन्युफैक्चरर भरेंगे, जेनरिक भरेंगे, मिनिमम स्टॉक भरेंगे, मैक्सिमम स्टॉक भरेंगे, ओपनिंग स्टॉक भरेंगे और सेव बटन की हेल्प से सेव कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है और हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी तरह और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब हमने ऐसे 6 के करीब प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया है। जिस प्रोडक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, उस रो में ब्लू लिंक को क्लिक करें। ब्लू लिंक को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम, रिमार्क, HSN कोड, मैन्युफैक्चरर आदि कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव बटन की हेल्प से सेव कर दें। तो अब आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो चुका है। जिस प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस रो में ब्लू लिंक को क्लिक करें। ब्लू लिंक को क्लिक करने के बाद आपको चेंज प्रोडक्ट वाला पेज दिखाई देगा। इसमें डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस आई एम श्योर बटन पर क्लिक करें और नहीं तो नो टेक मी बैक बटन पर क्लिक करें। और अब आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट का कहीं और उपयोग किया है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ डिलीट करना है तो आप उनको एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। जिस जिस प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ इस एक्शन बार पर क्लिक कर डिलीट सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और गो बटन पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए थे वो डिलीट हो चुके हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट को डिस्प्ले या प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट लिस्ट बटन पर क्लिक करें और आपको कुछ इस तरह की लिस्ट दिखाई देगी, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आप इस लिस्ट को प्रोडक्ट नेम पर शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो अब आप देखेंगे, ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो चुकी है। इस पर दोबारा क्लिक करने से ये पहले जैसे ऑर्डर पर आ जाएगी।
इसी तरह आप बाकियों पे भी शॉट कर सकते हैं।